नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनटी एसटी और पीएनएसटी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जीएनटी एसटी और पीएनएसटी का जो फॉर्म है दोस्तों, इसको 2020 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर था उसमें से हटा दिया गया था। तो यह एग्ज़ाम होगा या नहीं, होने की क्या संभावना है, तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक हफ्ते के अंदर चार एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आए हैं। सबसे पहले आया था प्री वेटनरी एंड फिजिक्स टेस्ट पीबीएफटी 2020 का फॉर्म। इसके बाद डीएएचटी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट 2020 का फॉर्म आया था। पीपीटी प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट 2020 का फॉर्म आया और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2020 का फॉर्म भी अब आ चुका है। आप इस लिंक को दोस्तों नोट कर लीजिएगा pb.mp.gov.in, और इस लिंक पर जाकर दोस्तों आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी रूल बुक को डाउनलोड कर लें, लास्ट डेट देख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने दोस्तों इन सभी फॉर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनका वीडियो बना दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको इन एग्जाम से संबंधित पुराने क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराने क्वेश्चन पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हो। ओके, तो हम बात करेंगे दोस्तों जीएनटी एसटी और पीएनएसटी के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम शेड्यूल के एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चार फॉर्म आ चुके हैं अभी, ठीक है। इनकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है पीवी के द्वारा चालू करा दी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो 2020 का बचा हुआ एग्जाम शेड्यूल है यहाँ पर कहीं भी जीएनटी एसटी और पीएनएसटी का फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं, एग्जाम शेड्यूल से जीएनटी एसटी और पीएनएसटी का फॉर्म हटा दिया गया है, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह था उसको हटा दिया गया, तो एग्जाम होगा या नहीं, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, अगर पीईवी पीएटी को कंडक्ट करा रही है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कराने में पीईवी को कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी को कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, डीएचटी को कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पीबीएफटी को कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जीएनटी एसटी और पीएनएसटी का जो एग्जाम है उसे कराने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जब दोस्तों इन चार एंट्रेंस एग्जाम को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करा सकता है तो जीएनटी एसटी और पीएनएसटी को भी करा सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी है क्योंकि एग्जाम शेड्यूल से जीएनटी एसटी पीएनएसटी का जिक्र ही हट गया है। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इस विषय में आप ज़्यादा ना सोचें, आप पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। जो भी जीएनटी एसटी पीएनएसटी की तैयारी कर रहे थे छात्र, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखें। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और दोस्तों आप जो भी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं काम में आएगा आपके, ठीक है। एग्ज़ाम होने की दोस्तों पूरी पूरी संभावनाएँ हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों चार फॉर्म आ चुके हैं, तो जीएनटी एसटी और पीएनएसटी का फॉर्म भी जल्दी आ जाएगा। और नहीं भी आएगा दोस्तों तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखें। और पीईवी की तरफ से अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है जीएनटी एसटी पीएनएसटी से रिलेटेड, तो भाई आपको वीडियो के माध्यम से मिल ही जाएगा हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इस विषय में मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ, जब जीएनटी एसटी पीएनएसटी का जो फॉर्म था वह शेड्यूल से हटा था, उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। होगा नहीं होगा सभी के लिए बराबर होगा, सभी के लिए नहीं होगा या होगा तो सभी के लिए होगा, तो आप उस विषय में ज़्यादा ना सोचें। आप सिर्फ जो सिलेबस है आपका, जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िएगा बिल्कुल मन लगा के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र पीएटी पीपीटी पीबीएफटी डीएचटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म काफ़ी लेट हो गए हैं और इनकी जो अंतिम तिथि है वह भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है, पुराने वीडियोज़ में, उनमें आप देख सकते हैं क्या है अंतिम तिथि। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल भी लेट और लतीफ़ी बिल्कुल भी ना करिएगा दोस्तों। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द भरिएगा, हमारे चैनल पर आपको
को पुराने क्वेश्चन पेपर से संबंधित वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो उनको देखिएगा। दोस्तों जीएनटी एसटी पीएनएसटी के जो फॉर्म है हर साल आपने देखा होगा काफ़ी लेट आता है, ठीक है, एग्ज़ाम भी बहुत लेट होता है। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम तो लेट होता ही, साथ ही साथ रिजल्ट भी लेट आता है। और पिछले साल जो काउंसलिंग थी दोस्तों आपने देखा होगा कितनी लेट शुरू हुई थी। तो दोस्तों हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा और लेट हो जाए जीएनटी एसटी पीएनएसटी का फॉर्म, ठीक है, हो सकता है पी भी फिर से उसको ऐड कर दे और थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जीएनटी एसटी पीएनएसटी से संबंधित पुराना एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि अगर दोस्तों पीएटी पीपीटी पीबीएफटी डीएचटी का आया है तो वह फॉर्म भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी जारी रखें, और आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो दोस्तों फिर तो वो सभी के लिए बराबर होगा दोस्तों, जो भी उसमें कॉलेज में एडमिशन के लिए जो भी प्रक्रिया कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बनाएंगे तो सभी के लिए बराबर रहेगी, तो उससे आप निस्फिक्र रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो रहे उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।